हाय गाइज, माय नेम इज शेखर और मेरा नंबर है 9899123008। हम पढ़ रहे थे गवर्नेंस, और गवर्नेंस में हमने गवर्नेंस को स्प्लिट किया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस गवर्नेंस में, और फाइनली हम बैलेंस स्कोर कार्ड्स के एलिमेंट्स पढ़े थे, और फिर हम पहुंचे थे आईटी गवर्नेंस के बारे में। और हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानी थी कि फ्यूचर, पहले सबसे पहले हमने ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जानी थी कि गवर्नेंस एक स्ट्रेटेजिक इशू है, और फिर हमने ये जाना था कि गवर्नेंस जो है फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, और गवर्नेंस जो आईटी गवर्नेंस आने की वजह से जो गोल कॉन्ग्रेंस है उसकी डेफिनेशन में चेंजेस आ जाएंगे, वो इवॉल्व हो जाएगी। पहले क्या होता था कि एम्प्लॉई के गोल्स कंपनी के गोल्स से मिलने मैच करने चाहिए, उसे गोल कॉन्ग्रेंस कहते थे। अब फ्यूचर में क्या होगा कि आईटी के ऑब्जेक्टिव एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव से अलाइन करने चाहिए, और वो इजी होगा क्योंकि ह्यूमन बीइंग के ऑब्जेक्टिव्स हिडन मोटिव्स रहते हैं, लेकिन आईटी के कोई हिडन मोटिव्स नहीं रहेंगे। अगर आप ठीक तरीके से आईटी को बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से अलाइन करोगे तो कर सकोगे। लेकिन आज की डेट में बहुत सारा ह्यूमन इंटरवेंशन है, हम ह्यूमन इंटरवेंशन उतना नहीं हटा पाए, तो आज की डेट में भी गोल कॉन्ग्रेंस का मतलब ये है कि एम्प्लॉई के ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से मीट आउट करें। अगर मेरे ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से मीट आउट करने लगे मेरे लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन को अपना 100% दूंगा और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने से मैं सक्सेसफुल होऊंगा, ये एक चेन चल जाएगी, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और एम्प्लॉई के गोल्स डाइवर्ज नहीं करने चाहिए, कन्वर्ज करने चाहिए, और इसी को गोल कॉन्ग्रेंस कहते हैं। लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस का ये है कि आईटी ऑब्जेक्टिव्स एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव से अलाइन करें, और धीरे धीरे यही गोल कॉन्ग्रेंस बन जाएगा। तो आईटी का रोल एक्सपेंड हुआ है, एक्टिव रोल हो गया, पहले पैसिव रोल था, पहले ट्रेडिशनल रोल था, अब जो है मॉडर्न रोल हो गया, पहले वो इनेबलर की तरह काम करता था, वो स्ट्रेटेजी का इंटेग्रल पार्ट हो गया आईटी। इसके बाद हमने ये भी जाना था कि आईटी गवर्नेंस जो है वो एंटरप्राइज गवर्नेंस का पार्ट है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस का पार्ट है। तो पहला तो आईटी गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव ये है कि आईटी के ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से मीट आउट कर जाए। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, आईटी के ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी हैं, और आईटी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से आईटी के ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट करना बहुत जरूरी है, वहाँ पर गोल कॉन्ग्रेंस आना बहुत जरूरी है। दूसरा, आईटी के ऑब्जेक्टिव्स को, आईटी के रिस्क को हम समझें, मतलब ऐसी अकाउंटेबिलिटी बनी गवर्नेंस में, ऐसी अकाउंटेबिलिटी बने कि आईटी के रिस्क रिड्यूस हो जाएं। तो आईटी के रिस्क को रिड्यूस करना और आईटी के ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से मीट आउट करना, बेसिकली आईटी गवर्नेंस का ये काम है। अब फ़ायदा क्या होगा आईटी के गवर्नेंस से? आईटी के गवर्नेंस से क्या है, सही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, मैनुअल इंटरवेंशंस हट जाएंगे, रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज होने लगेंगे। कोई भी चीज़ है हम उसको मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, अगर कोई आईटी ऑटोमेटेड सिस्टम्स लगा लेते हैं तो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है हमें, 24/7 मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। कई बार ब्रेकडाउन हो जाता है, सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है तो बात अलग है, अदरवाइज मैक्सिमम हमें अप टाइम मिलता है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है, कंप्लाइंस एडिक्वेट हो जाता है। या तो सिक्योरिटी किसी टाइम पर पूरी तरह से डाउन होगी या 100% सिक्योरिटी मिलेगी। जैसे पंखा है, पहले के टाइम पर जब पंखा चलता था तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, राजा बुलाते थे पंखा झलने के लिए, तो पंखा झलने वाले को पता होता था कि राजा अगर ये पंखा ठीक से नहीं चलूंगा तो राजा मेरी गर्दन काट देगा, उसके बावजूद भी कभी कभी उसे नींद आ जाती थी। लेकिन आज की डेट में जब तक आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है पंखा चलता है, रिलायबली चलता है, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम्स, उस वहाँ पर किसी को एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर 100% लाइट है, 24 घंटे लाइट है, पंखा अपने आप चलेगा। तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स की ये खूबी है, ऑटोमेटेड सिस्टम्स मैक्सिमम देते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम क्या कहते हैं, सिस्टम को ऑन करो और भूल जाओ, इस चीज़ पर आपको हेल्प करते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम्स में रिस्क बहुत कम होता है। अगर रिस्क रहेगा, अगर लाइट नहीं हुई तो पंखा बिल्कुल जीरो हो जाएगा।
तो रिस्क होगा तो 100% रिस्क आ जाता है, नहीं तो रिस्क नहीं होता है। अगर आपने सिक्योरिटी लगा रखी है पूरी तरीके से, और जब तक सिक्योरिटी वायलेट नहीं हुई वो 24 घंटे काम करेगी, बेईमानी नहीं करेगी, फ्रॉड नहीं करेगी बीच में। तो आईटी गवर्नेंस के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेज होनी चाहिए आईटी गवर्नेंस की, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेज चेंज हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं। तो बोर्ड को इन बेस्ट प्रैक्टिसेज के बारे में पता होना चाहिए। अब बोर्ड को कौन बताएगा? बोर्ड को बताने के लिए आईटी स्ट्रेटेजी कमेटी होनी चाहिए, आईटी स्टीयरिंग कमेटी होनी चाहिए। आईटी स्ट्रेटेजी कमेटी में बोर्ड के मेंबर्स हो सकते हैं, नॉन बोर्ड मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स होंगे। एडवाइजरी कमेटी होगी, स्टीयरिंग कमेटी स्टीयर करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। तो यानी कि आईटी स्ट्रेटेजी कमेटी बोर्ड को एडवाइस करेगी आईटी स्ट्रेटेजी के लिए, और आईटी स्टीयरिंग कमेटी ये इंश्योर करेगी कि उस स्ट्रेटेजी डिलीवर हो जाए, क्योंकि स्ट्रेटेजी बन जाएगी और कई बार स्ट्रेटेजी नीचे नहीं होगी, जैसे हिंदुस्तान में लॉज बन जाते हैं और लॉज नीचे नहीं आ पाते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, सिस्टम ऐसे होते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं होता। तो बोर्ड को एडवाइस करना आईटी स्ट्रेटेजी कमेटी का काम है। आईटी स्ट्रेटेजी कमेटी में एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि बोर्ड में एक्सपर्ट हों जरूरी नहीं है, और एक्सपर्ट होंगे भी तो आईटी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि वो एक्सपर्ट ऑब्सोलीट हो जाएंगे। स्टीयरिंग कमेटी उन्हें इंप्लीमेंट करेगी। तो बेसिकली आईटी गवर्नेंस अगर हमें समझना है तो पहले ये समझना है कि आईटी के गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स से आईटी के गोल्स को हमें अलाइन करना है, जो बहुत ईजी काम है, और उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी कमेटी या स्टीयरिंग कमेटी होनी चाहिए, और वहाँ पर भी एक बैलेंस स्कोर कार्ड होना चाहिए। बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में हमने जाना कि चार एलिमेंट होते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के। पहला एलिमेंट होता है स्ट्रेटेजिक पोजीशन, आज की क्या पोजीशन है, फिर है स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, तीसरा है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, और चौथा है स्ट्रेटेजिक रिस्क। इन चारों को आइडेंटिफाई करना है। इसी तरीके से आईटी की जो स्ट्रेटेजिक कमेटी है उसको भी ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। उसके अलावा बैलेंस स्कोर कार्ड में एक चीज़ और है, बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या है कि मैनेजर को क्या है, अलग अलग प्रस्पेक्टिव से स्ट्रेटेजी को देखना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी को अलग अलग प्रस्पेक्टिव से देखना पड़ेगा। तो अलग अलग प्रस्पेक्टिव से देखकर, अगर जो अलग अलग ऐसा होता है कि हमने ये जाना था कि बैलेंस स्कोर कार्ड क्यों होता है, क्योंकि मेजरमेंट प्रॉब्लम होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट मेजर नहीं कर पाता है चीज़ों का। तो मेजर नहीं कर पाता है तो क्या होता है कि कई बार क्या है, कई चीज़ें आ रही होती हैं, प्रॉब्लम आ रही होती हैं। आज की डेट में स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, लेकिन वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, और चूँकि उसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो क्या होता है, बिज़नेस का रिस्क बहुत बढ़ जाता है और बिज़नेस ख़त्म भी हो जाते हैं। जैसे कोडक का एग्जांपल है, कोडक ख़त्म हो गया, कोडक को पता ही नहीं चला कि डिजिटल कैमरे का रिवॉल्यूशन आ रहा है, जबकि डिजिटल कैमरा उसी ने इन्वेंट किया था, और फिर बाद में उसे बैंकरप्सी के लिए फाइल आउट करना पड़ा। तो मेजरमेंट प्रॉब्लम की वजह से हमने बैलेंस स्कोर कार्ड लेकर आए। बैलेंस स्कोर कार्ड में चार एलिमेंट्स हैं, और कई तरीके से प्रस्पेक्टिव से हमें चीज़ें देखना है, क्योंकि ये चीज़ें नॉन फाइनेंशियल हैं, ये फाइनेंशियल चीज़ें नहीं हैं। तो कई कई प्रस्पेक्टिव से हम चीज़ों को देखोगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है। बैलेंस स्कोर कार्ड में मैंने ये बोला था कि अगर आप एक अच्छा मैनेजमेंट है उसके कमरे में जाओगे तो इन टर्म्स में, इन चीज़ों के टर्म्स में ग्राफ्स पड़े होंगे जो इन सब चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजी को इन टर्म्स में तोड़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि हम ये जान लेते हैं कि नॉन मेजरेबल एसेट्स हैं वो सब्सटेंशियल हो गए हैं, और इन्हीं नॉन मेजरेबल एसेट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक के पास डेटा एसेट है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, मेजरमेंट प्रॉब्लम है। नॉन मेजरेबल एसेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कंपनी के पास पहले क्या था, मेजरेबल एसेट्स और नॉन मेजरेबल एसेट्स। जैसे मोराल है कंपनी के एम्प्लॉय का, वो नॉन मेजरेबल एसेट्स है, उसको मेजर नहीं कर सकते। तो लेकिन मेजरेबल एसेट्स बहुत ज़्यादा थे, नॉन मेजरेबल एसेट्स बहुत कम थे। आज सिचुएशन उल्टी हो गई है, नॉन मेजरेबल एसेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, मेजरेबल एसेट्स कम होते चले जा रहे हैं। तो जब बैलेंस स्कोर कार्ड बने तो वो कई प्रस्पेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि कई तरीके से मेजर किया जाए, वो नॉन मेजरमेंट मेजरेबल चीज़ को मेजरेबल की तरफ बढ़ाने की कोशिश है। बैलेंस स्कोर कार्ड नॉन मेजरेबल चीज़ों को मेजरेबल चीज़ों की तरफ बढ़ाने की कोशिश है, जिससे कि स्ट्रेटेजी को हम इम्प्लीमेंट कर सकें, एक तो स्ट्रेटेजी सही तरीके से बढ़ा सकें, स्ट्रेटेजी में हम नॉन मेजरेबल चीज़ें डाल सकें और मेजरमेंट प्रॉब्लम से निकल सकें। तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्रस्पेक्टिव है,
तो फाइनेंशियल परस्पेक्टिव में क्या होता है कि फाइनेंशियल डेटा तो हमें पता ही है, फाइनेंशियल डेटा तो हमारे पास होता ही, वो मेजरेबल है, लेकिन कुछ एडिशनल फाइनेंशियल डेटा होता है, जैसे रिस्क असेसमेंट, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस। हर चीज़, हर एक्शन का कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस आप कर रहे हो, और रिस्क को असेस कर रहे हो कि अगर एक रिस्क को क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। रिस्क असेसमेंट के चैप्टर में हम ये जानेंगे कि रिस्क को मेजर नहीं किया जा सकता है, फिर भी कुछ हद तक हम उसे क्वांटिफाई कर सकते हैं कि हायर रिस्क, लोअर रिस्क, उसको रेटिंग दे सकते हैं और इस तरीके से क्वांटिफाई कर सकते हैं उसको। हम ये वैल्यू उसमें नहीं दे सकते, वैल्यू देने की प्रोबेबिलिस्टिक मैथमेटिक्स है जिससे हम उस पर एक वैल्यू असाइन करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है रिस्क उतना हो। रिस्क का एक अंदाज़ा हो जाता है, रिस्क पर एक वैल्यू डालने की कोशिश हम करते हैं। तो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव ये है। दूसरा है कस्टमर प्रोस्पेक्टिव। कस्टमर प्रोस्पेक्टिव, आजकल कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बहुत बात होती है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे मेजर किया जाए? तो जब भी आप जाते हो, आपको एक बुकलेट पढ़ा दी जाती है, उसमें लिख दिया जाता है कि आपका सेटिस्फैक्शन क्या है 1 से 10। कार आप सर्विस करने जाते हो तो वो बोलते हैं कि क्या आपका सेटिस्फैक्शन है। तो अगर मान लीजिए सपोज आप कार खरीदने जा रहे हो तो सर्विसेज में वो कहते हैं कि 1 से 10 क्या है, मतलब कार का सेटिस्फैक्शन 1 से 10 आप परचेज़ कर रहे हो तो आपको कैसा लगा इस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो 1 से 10 अगर आप 7 दे देते हो, 8 दे देते हो, तो वो फ़ोन आने लगता है कि सर क्यों डिससेटिस्फाइड है, क्यों 10/10 नहीं है। तो बेसिकली वो चाहते हैं कस्टमर प्रस्पेक्टिव लेना, और बैलेंस स्कोर कार्ड जो है कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। और कस्टमर के लिए वैल्यू नॉर्मल वैल्यू नहीं है। आप किसी कम वहाँ जाएँ तो आप उसके अंदर गए तो आपको क्या लेवल की सर्विस दी गई, क्या लेवल की फील दी गई है, कितना आपको इम्पोर्टेंट बनाया गया है, क्योंकि जितना आपको इम्पोर्टेंट बनाया जाएगा उतने आपसे पैसे निकाले जाएंगे। तो कस्टमर प्रस्पेक्टिव, कस्टमर की प्रस्पेक्टिव से को क्वांटिफाई करेंगे आप, उसको एक समझने की कोशिश करेंगे, उसके प्रस्पेक्टिव से हम देखेंगे, उसके प्रस्पेक्टिव से जब हम फाइनेंशियल प्रस्पेक्टिव से देख रहे होंगे तो फाइनेंशियल टर्म्स में सोच रहे होंगे। बैलेंस स्ट्रेटजी को फाइनेंशियल टर्म्स में तोड़ दिया जाएगा। हम कहेंगे रिस्क असेसमेंट करो, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट चीज़ देखो हर तरीके से। फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट जो हम निकल रहा है वो कस्टमर के टर्म्स में कैसा है, कैसे यूज़ करेगा, क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या फीडबैक है मार्केट में, और उस स्ट्रेटजी को उन टर्म्स में तोड़ेंगे तो कस्टमर प्रस्पेक्टिव आ जाएगा। उस टर्म्स में ग्राफ्स बनाएंगे, उस टर्म्स में फीडबैक बनाएंगे, उस टर्म्स में फीडबैक स्टेटमेंट देखेंगे कि उसमें देखेंगे किस किस जो कस्टमर आपको एक फॉर्म आता है तो उसमें कई तरीके से देखा जाता है कि सेल्समैन ने कैसी सर्विस दी, इन्वायरमेंट कैसा था, कार कैसी थी, एसेसरीज आपको एक या दो फ्री मिली कि नहीं मिली, जब आपको कैसे पता चला, फ्रेंड से पता चला, एडवर्टीजमेंट से पता चला, तो उसमें पता चलता है एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव है, वर्ड ऑफ माउथ इफेक्टिव है, क्या इफेक्टिव है, न्यूज़पेपर से पता चला। तो कहने का मतलब ये कस्टमर प्रस्पेक्टिव स्ट्रेटेजी को कस्टमर प्रस्पेक्टिव से देखने लगते हो, क्योंकि वही सेल्स में ट्रांसलेट होती है। इसके बाद इंटरनल बिजनेस प्रोसेस प्रस्पेक्टिव होती है। अब कस्टमर ने अपना प्रस्पेक्टिव बना दिया, आपकी इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस ऐसी होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ बन जानी चाहिए। इस तरीके की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ बन जानी चाहिए कि बिजनेस प्रोसेसेस कस्टमर की के लिए वैल्यू क्रिएट करे, शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन क्रिएट करे। कस्टमर की जो कस्टमर जहां पर 7 दे रहा है, मार्क्स दे रहा है, तो उससे पूछा जाता है कि 10 क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि एक फीडबैक का सिस्टम होता है, वो फीडबैक का सिस्टम जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या मिशन को मीट आउट करने के लिए, वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर वो इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस में तब्दील किया जाता है। ये एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि ये चीज़ें कस्टमर डिमांड कर रहा है, ये कस्टमर चीज़ें दूसरी गाड़ी के बनस्पत हम उससे डिमांड कर रहे हैं, ये इन्वायरमेंट डिमांड कर रहा है, कॉल सेंटर्स में अगर कॉल कर रहे हैं उसमें आंसर नहीं हो रहा है तो ये सर्विसेज डिमांड कर रहा है। तीसरा है लर्निंग एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, और चूंकि चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है आईटी के फील्ड में, तो 5 साल में चीज़ें जनरेशनल चेंजेस आ रहे हैं, तो लर्निंग होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग, लर्निंग, ग्रोथ और मोटिवेशन नहीं है तो फिर सब खत्म है। तो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड क्या करता है, स्ट्रेटजीज़ को एक्शन में बदलता है, और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमारे हाथ में रखता है, यानी जिसे मेजर नहीं किया जा सकता है उसे मेजर करने की कोशिश करता है, जिसे मेजर नहीं किया जा सकता है उस पर एक प्रस्पेक्टिव देने की कोशिश करता है, क्योंकि मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैनेजमेंट टूल है मेजरमेंट।
ध्यान दीजिए, मेजरमेंट एक मैनेजमेंट टूल है। आप जो चीज़ मेजर करने लगते हो वो चीज़ दौड़ने लगती है, जो चीज़ मेजर नहीं करते हो वो दौड़ती नहीं है। तो देखिए, अगर इसको देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस स्कोर कार्ड 3-लेयर्ड स्ट्रक्चर यूज़ करता है, और आईटी के केस में भी ये 3-लेयर्ड स्ट्रक्चर करेगा। सबसे पहले मिशन होता है, मिशन के अनुसार स्ट्रेटेजी बनती है और उसके अनुसार मेजर्स लिए जाते हैं। मतलब मिशन बना, स्ट्रेटेजी बनी और फिर आपने मेजर्स लिए कि किस तरह से ये काम करना है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं या KGI क्या है, की गोल इंडिकेटर्स क्या हैं। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस का सबसेट है, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी गवर्नेंस का, IS इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी गवर्नेंस का सबसेट है, वो आज की डेट में टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके मैनेजमेंट को। क्योंकि वो क्या कर रहा है, कॉस्ट रिडक्शन करने की कोशिश कर रहा है, वो रिलायबिलिटी सिस्टम को रिलायबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। और धीरे धीरे क्या है, IT धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में घुसता चला जा रहा है। तो IT के टर्म्स में आपको सोचना होगा, IT के टर्म्स में कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के टर्म्स में सोचना होगा। और IT क्योंकि इवॉल्व हो रहा है तो एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर खड़ा हो गया है, जिसे जैकमैन आर्किटेक्चर कहते हैं। IT के स्पेसिफिक आर्किटेक्चर, ये जैकमैन आर्किटेक्चर, IT आर्किटेक्चर, वो IT का आर्किटेक्चर जैकमैन आर्किटेक्चर क्यों इसलिए खड़ा हुआ, क्योंकि 5 साल में जनरेशनल चेंजेस आ जाते हैं। और चूंकि 5 साल में जनरेशनल चेंजेस आ जाते हैं, तो आज क्या सिस्टम है, क्या होना चाहिए और फ्यूचर में क्या होगा, आज से 5 साल बाद क्या होगा, ये चीज़ जैकमैन आर्किटेक्चर में है। ये मैट्रिक्स बना दिए गए हैं, क्योंकि IT 5 साल फास्ट इवॉल्विंग है, फास्ट चेंजिंग है। आज कोई चिप आती है, कल 2 साल बाद क्या है कि उसकी पावर डबल हो जाती है और नए नए प्रोडक्ट्स आते चले जाते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स आते चले जाते हैं। IT पूरी सिचुएशन को चेंज कर रहा है और 5 साल में पूरी चेंजेस आ जाने। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम कर रहा है, मालूम पड़ा 3 साल काम कर रहा है, 3 साल में नया सिस्टम लगा और वो ऑब्सलीट होना चालू हो गया। IT को पता ही नहीं कि वो ऑब्सलीट हो गया, तो वो उसको अब पता कैसे चलेगा, जैकमैन आर्किटेक्चर से पता चलेगा। तो अच्छी डेमोक्रेसी है USA। USA में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अच्छी डेमोक्रेसी में क्या होता है, अच्छी में अच्छा कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर होता है, और वो कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर जो होता है अच्छी डेमोक्रेसी बनाता है। क्योंकि कैपिटलिज्म एक डेमोक्रेसी का एक पिलर है। आप कहीं जाकर एक टूथपेस्ट खरीद रहे हैं, आज की डेट में बिना का खरीदते हैं, कल की डेट में कोलगेट खरीदते हैं, तो इसका मतलब बिना का आपको अच्छा नहीं लगा, कोलगेट अच्छा लगने लग गया। तो यानी कि जब जब आप खरीद कर रहे हैं तब तक आप वोट दे रहे हैं, तो आपके एंटरप्राइज गवर्नेंस पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। और IT में तो ये बहुत ज़्यादा है। और IT जैसे जैसे IT जो है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, इनेबलर से स्ट्रेटेजी का पार्ट बनती जा रही है, वैसे वैसे जैकमैन आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैकमैन आर्किटेक्चर US में उभरा, और US ने अपने जितने भी फेडरल जो वहाँ पर, जो जैसे हमारे वहाँ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहाँ फेडरल गवर्नमेंट होती है, तो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन को जैकमैन आर्किटेक्चर फॉलो करना इम्पॉर्टेंट कर दिया। क्यों कर दिया, कंपलसरी कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि कई बार क्या होता था कि उनके वहाँ जैसे पुलिस है, पुलिस काम कर रही है, उसके पास 5 साल पुराने IT हैं, कब ऑब्सोलीट हो गए पता ही नहीं चला। तो वो सिस्टम्स भी आगे बढ़ें, तो वहाँ पर 3 चीज़ कही गई, एज इज, टू बी और माइग्रेशन प्लान। आज क्या है, करंट में क्या है, इंटरमीडिएट क्या होगा, कल की डेट में क्या होगा, और टारगेट क्या है। 5 साल में सारी चीज़ें हैं तो एक माइग्रेशन प्लान बनाना पड़ेगा, पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में कॉन्स्टेंट माइग्रेशन होना चाहिए। हर साल में 1/5 एसेट्स ऑब्सोलीट हो रहे हैं एक तरीके से, 1/5 नए एसेट्स आने चाहिए, और उनकी यूटिलिटी भी होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। तो एक बार गवर्नेंस के चैप्टर को समराइज़ करते हैं। गवर्नेंस जो है, एंटरप्राइज गवर्नेंस, ये नया टर्म है, बहुत ज़्यादा पुराना टर्म नहीं है। और एंटरप्राइज गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो गया। क्यों टर्म हो गया, क्योंकि पहले क्या होता था, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आदमी बैठे रहते थे और बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते थे, वो सालों साल एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते थे और वो इंडस्ट्री में वो चीज़ें सालों साल चलती थी, उनके कनेक्शंस होते थे और उनका एक रसूख होता था इंडस्ट्री में। और धीरे 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 वो आगे बढ़ते थे, टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती थी, उनको सारी चीज़ें समझ में आती थी, मेजरमेंट प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन अचानक इन्वायरमेंट चेंज हुआ, IT बढ़ने लगे,
आईटी बढ़ती चली गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, एंटरप्राइज गवर्नेंस टर्म आ गया। एंटरप्राइज गवर्नेंस के दो भाग में डिवाइड करना पड़ा हमें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस गवर्नेंस, क्योंकि मेजरमेंट प्रॉब्लम आ गई, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई जो हम मेजर नहीं कर पा रहे थे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में लोग आने लगे, सैलरी लेने लगे और भागने लगे, बहुत से लोगों को टर्मिनेट किया जाने लगा, क्योंकि उनको उनके पास वो स्ट्रेटेजिक विजन नहीं होता था, वो कंपनी को उस लेवल तक नहीं ले जा पा रहे थे। वो कि उनको वो उनको करोड़ करोड़ रुपए का पैकेज होता था, साल भर बैठे करोड़ रुपया कमाया फिर दूसरी कंपनी में चले गए। तो लेकिन स्ट्रेटेजिक और कंपनी भी फेल हो गई मालूम पड़ा, या कंपनी में को डैमेज कोई लॉस हो गया, फिर दूसरा एग्जीक्यूटिव आया, फिर तीसरा एग्जीक्यूटिव आया, लेकिन हो क्या रहा है ये पता नहीं चलता था, क्योंकि मार्केट बड़ी तेज़ी से भाग रही थी और नए नए लोग पैदा हो जा रहे थे मार्केट से। अचानक कल की डेट में एक जगह पर कोई इंडस्ट्री नहीं होती थी, सुबह पता चला तो फेसबुक खड़ी हो गई, फिर पता चला तो गूगल खड़ी हो गई, फिर पता चला तो बिल गेट्स आ गया। तो आज की डेट में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में ये सारी चीज़ें आ गई है। एलॉन मस्क ने कार निकाल दी, कार जो इंडस्ट्री जो हाईली डिप्रिशिएटेड इंडस्ट्री थी, जिसमें उतने जिसमें नए मॉडल्स आते थे, मॉडल्स आने लगे, तेज आने लगे, मालूम पड़ा नया पैराडाइम लेकर आ गया, इलेक्ट्रिक कार लेकर आ गया। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी वो सारी चीज़ें बढ़ने लगी, अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर में भी बढ़ने लगेंगी, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा होने लगा। डेवलप्ड कंट्रीज़ में कठोर कंपटीशन होने लगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ आने लगी। तो मैनेजमेंट को कई बार पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है। तो मैनेजमेंट को, एंटरप्राइज मैनेजमेंट को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला जो है वो एंटरप्राइज गवर्नेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया, बिजनेस गवर्नेंस और कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस थोड़ा स्टैटिक था, कार होती है, कार की बॉडी की तरह था, वो स्टैटिक था। लेकिन कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी आज की डेट में बड़ी तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। कार की बॉडी भी बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, नया मटेरियल लग रहा है, नए लॉज आ रहे हैं, नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, फ्रॉड्स हो जा रहे हैं। तो मालूम पड़ा एनरॉन और वर्ल्डटेल का फ्रॉड हुआ, तो मालूम पड़ा आपका सॉर्बन ऑक्सले एक्ट आ गया। दूसरी चीज़ थी बिजनेस गवर्नेंस। बिजनेस गवर्नेंस को एजाइल रहना है, भागते रहना है, स्पीड में रहना है, उसको मूव करते रहना है। तो बिजनेस गवर्नेंस हर चीज़ को मूव करेगा और फास्ट मूव करता रहेगा। तो बिजनेस गवर्नेंस जो है वो फास्ट मूविंग होगा, सेल्स वाला होगा, वहाँ पर प्रोडक्ट चेंज हो रहा होगा तो फीडबैक भी दे रहा होगा, वो बता रहा होगा कि क्या रिस्क एपेटाइट होगा हमारा। लेकिन रिस्क को मैनेज करना किसका काम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम है। लेकिन इन ये सब हुआ क्यों, ये सब हुआ आईटी गवर्नेंस की वजह से। आईटी गवर्नेंस बढ़ती चली गई, पहले आईटी इनेबलर था, अब आईटी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। अब आईटी धीरे धीरे आईटी बढ़ता चला जा रहा है, और जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास पहुंचेंगे तो आईटी ही आईटी होगा, सारा ह्यूमन इंटरवेंशन हटा दिया जाएगा, मैक्सिमम ह्यूमन इंटरवेंशन हटा दिया जाएगा। आज की डेट में बिजनेस इंटेलिजेंस आ गई है। पहले क्या होता था, ERP होती, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता था। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग उभर कर आया आईटी की वजह से, और उसके बाद और उभरा, अब बिजनेस इंटेलिजेंस का पार्ट बन गया है। अब बिजनेस इंटेलिजेंस जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव है इंफॉर्मेशन देती है, उनकी स्ट्रेटेजी बनाने में उनकी हेल्प करती है। तो टॉप मैनेजमेंट क्या है, मेजरमेंट प्रॉब्लम है, वहाँ पर स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल में पूरी की पूरी जनरेशन चेंज हो रही है, और इसी की वजह से स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बढ़ जा रहे हैं, और मेजरमेंट नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर को मेजर कैसे करेंगे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जब मेजरमेंट प्रॉब्लम आई तो उसका सॉल्यूशन भी आया, और वो था बैलेंस स्कोर कार्ड। उसने स्ट्रेटेजी को डिवाइड कर दिया, कुछ एलिमेंट्स और प्रस्पेक्टिव में डिवाइड कर दिया। अब प्रस्पेक्टिव क्या थे, फाइनेंशियल प्रस्पेक्टिव एक था, कस्टमर प्रस्पेक्टिव एक था, इंटरनल प्रोसेस प्रस्पेक्टिव एक था। तो हर प्रस्पेक्टिव से आप चीज़ें देख रहे हो, और हर प्रस्पेक्टिव से उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा था एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब आज स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या हैं, सबसे पहले आप कहाँ पर खड़े हैं, आपकी स्टेटस क्या है, आप किस जगह पर खड़े हो, आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, उसके बाद स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑप्शन क्या है, आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, कहाँ पर खड़े हो,
तो आप डिवाइड करते थे माइक्रो मैक्रो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट इस इंडस्ट्री के लिए क्या है, स्वॉट एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसीज, और उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस फाइंड आउट करते थे, ऑप्शंस क्या आगे बढ़ने की, ऑप्शंस के बाद इम्प्लीमेंटेशन कैसे इम्प्लीमेंट करोगे और रिस्क क्या है, स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है। तो आपने इसको दो तरीके से देखने की कोशिश की, एलिमेंट्स में डिवाइड करके देखने की कोशिश की, और दूसरा आपने अलग अलग प्रस्पेक्टिव अपनाए। उन प्रस्पेक्टिव में फाइनेंशियल प्रस्पेक्टिव था, फाइनेंस के टर्म्स में देखा। टिपिकल फाइनेंस तो आप मेजर कर सकते हो, ये नॉन मेजरमेंट का एरिया है। तो यहाँ पर आप रिस्क असेसमेंट, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस करने लगे। कस्टमर प्रस्पेक्टिव से देखा, इंटरनल बिजनेस प्रस्पेक्टिव से देखा, और लर्निंग और ग्रोथ प्रस्पेक्टिव से देखा, और तीन लेयर स्ट्रक्चर में बांट दिया बैलेंस स्कोर कार्ड को। क्या मिशन है, क्या स्ट्रेटेजी है, उसको कैसे मेजर करेंगे। पहले तो मिशन है बताना ईजी है, फिर क्या स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी आपने बनाई, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए के बाद आपने मेजर किया, मेजर बनाने से स्ट्रेटेजी बढ़िया हुई, और उससे फिर आपने फिर मेजरमेंट किया, और फिर स्ट्रेटेजी बनाई, फिर मेजर किया, और फिर उससे आपने मिशन को रिफाइन किया। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है किसी भी कंपनी में, और यही गवर्नेंस है। गवर्नेंस एक बात मान के रहिए, गवर्नेंस स्ट्रेटेजिक इश्यू है। टॉप मैनेजमेंट में अगर अच्छा बंदा बैठा है तो सारी चीज़ें सही चल रही हैं। टॉप मैनेजमेंट में आज की डेट में सिंगल बंदा बैठा हुआ है तो इसका मतलब कंपनी सही नहीं है। एक मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में सिंगल बंदा उतना काम नहीं कर सकता। हाँ, आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रख सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उस चीज़ को आगे बढ़ाएगा, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सब कुछ पता नहीं होगा। जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर आपको बोर्ड रखना पड़ेगा, उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कभी भी आते हैं, लेकिन वो आए तो वैल्यू ऐड करें। ऐसा नहीं कई जगह नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप लोन लेने के लिए रख लेते हैं, बढ़िया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ताकि आपकी कंपनी को लोन मिल सके। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आपको अच्छा पे करना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को और अच्छा पे करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रेटेजी बनाएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नीचे एक प्रिपरेटरी कमेटी होगी, एक्सपर्ट्स की कमेटी होगी, जो उसको स्ट्रेटेजी बना के देगी, हेल्प करेगी, या वो बनाएगा तो वो हेल्प करेगी, और नहीं तो बना के देगी। उसका काम स्ट्रेटेजी बनाना है, चाय कॉफ़ी पीना, स्ट्रेटेजी बनाना। उसके नीचे आपकी एक स्टीयरिंग कमेटी होगी जो स्टीयर करेगी, उसको स्ट्रेटेजी बना के दे दी, अब उसको दिमाग नहीं लगाना। हाँ, फीडबैक दे सकती है, ये सही है, ये गलत है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे जापानीज़ में होता है, जापानीज़ कंपनी में जापानी जो होते हैं वो सुनते सबकी हैं, फिर एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। एक बार स्ट्रेटेजी बना दी, फिर वो आगे बढ़ते हैं, वो ये क्लियर कट होते हैं। इसमें हिंदुस्तानी बीच में पॉलिटिक्स करने लगेगा, वो कहते हैं नो पॉलिटिक्स। एक बार स्ट्रेटेजी बना दी तो इस स्ट्रेटेजी के अनुसार काम चलेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन होने लगता है। छोटी जापानीज़ कंपनी में स्ट्रेटेजिक कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी सेम होती है, और कंपनी होगी तो उसमें एक स्ट्रेटेजिक कमेटी है वो बन गई, और फिर नीचे एक हर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, इंडियन हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के साथ वो एक जापानी लगा देते हैं, और वो जापानी फिर स्टीयर करने लगता है। तो वो जापानी उस स्ट्रेटेजी को स्टीयर करने लगता है, वो इंडियन को हिलने नहीं देता है। वो कहता है कि तुम डेवलपिंग कंट्री के आदमी हो, तुम्हें ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तुम्हारे अंदर अभी वो कल्चर नहीं आया है। अगर तुम्हारे अंदर कल्चर आ गया हो तो तुम डेवलप्ड हो गए होते, इंडियन नहीं मानेगा, वो कहेगा मैं सबसे ऊपर हूँ। और अगर अंडर डेवलप्ड कंपनी है तो वो तो मानेगा ही नहीं, वो तो कहेगा मैं तो दुनिया का, मैं सबसे टॉप ऊपर हूँ। लेकिन सही चीज़ ये है कि वो सबसे नीचे है, वो चेंजेस को असिमिलेट नहीं कर पा रहा है, वो चेंजेस के प्रति आज वर्ल्ड ऑफ चेंजेस है, वो इस चेंजेस के प्रति सेंसिटिव नहीं हुआ है। तो चूँकि इंडियन नहीं मानेगा, उसे बोल दिया जाता है कि अपना दिमाग मत लगाओ, ये इस तरह से काम करो। हाँ, फीडबैक है, वो फीडबैक देते रहो, और फीडबैक ऊपर जाता रहता है, और फिर स्ट्रेटेजी बनती रहती है, उससे स्ट्रेटेजी रिफाइन होती रहती है, मिशन रिफाइन होता रहता है, और फिर वो कमेटी जो है नीचे फ्लो करती है। तो ये है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आईटी गवर्नेंस। आईटी बड़ी तेज़ी से भाग रही है, तो वहाँ पर मेजरमेंट प्रॉब्लम और ज़्यादा। आईटी में क्या होता है, डेटा होता है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, और आईटी जो है अंदर घुसती चली जा रही है। आईटी फाइनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करेगी, जो मैक्सिमम ह्यूमन को सिस्टम से निकाल देगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अनरिलायबल है। आईटी वर्कलोड काम करने की पावर बढ़ाती जा रही है, उसी कॉस्ट में करने की पावर बढ़ती जा रही है। हर दो साल में डबली पावरफुल चिप आती है उसी कॉस्ट में, उतनी ही कॉस्ट में डबल पावरफुल चिप आती है, जिसे मूर्स लॉ कहते हैं।
तो आईटी पावरफुल करती चली जा रही है, आदमी जो है पुराना होता जाता है, ज़्यादा पैसे मांगने लगता है, लेकिन आईटी में क्या है कि 2 साल बाद नई चिप आ जाती है जो उससे डबल पावरफुल है, उतनी पैसे में आती है। ये मूड्स लॉ है, मूड्स लॉ इकोनॉमिक्स की लॉ है और साइंस की लॉ है, गॉर्डन मूड्स ने दी बेसिकली। वो डबली पावर चिप को उसी कॉस्ट में लेकर आती है। तो आईटी गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ये हमने पढ़ाई इसलिए क्योंकि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पढ़ें और आईटी गवर्नेंस हम पढ़ें, और इसीलिए जैकमैन मॉडल बना। जैकमैन मॉडल भी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के जो चेंजेस होंगे उसको समझने की कोशिश है। आप एक मैट्रिक्स बना देते हो कि आज ऑर्गेनाइजेशन ये है, कल की डेट में ये होगा, टारगेट ये है, माइग्रेशन किस तरीके से करेंगे, ये चेंजेस आ रहे हैं, ये कटिंग एज चीज़ें आ रही हैं। आज की जो कटिंग एज चीज़ें आ रही हैं उसके अनुसार आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करने लगते हो, क्योंकि जहाँ पर आईटी आ जाएगी फ्लैट स्ट्रक्चर आ जाएगा, आईटी में हायरकी नहीं होगी, वो मशीन है, मशीन में कोई हायरकी नहीं होती, ऐसी नहीं होती है तू मेरे से ऊपर नीचे। हाँ, कोई मशीन बाद में काम कर रही होती, कोई मशीन पहले काम कर रही होती, लेकिन वो ये नहीं कहती मैं बड़ी मैं छोटी, अरे बराबर होती है। मशीन में बड़ी सोशलिज्म बड़ा ज़्यादा है, ह्यूमन बीइंग होगा तो वो हायर की क्रिएट कर देगा, मैं तेरे से ऊपर हूँ, मैं तेरे से नीचे हूँ, मशीन में ऐसा नहीं होता है। तो कौन सी मशीन चेंज करनी है, कब करनी है, कौन सी एब्सोल्यूट होगी, कौन सी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी कल की डेट में, कौन सी मशीन मार्केट के अनुसार जरूरी है, ये जैकमैन मॉडल है, ये मिस्टर जैकमैन ने बनाया, ये आईटी आर्किटेक्चर को समझने की मैं आपको हेल्प करता है। और ये सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट के फेडरल जो कंपनीज थी उसमें लागू किया गया, जो जैसे हमारे वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ फेडरल गवर्नमेंट है, तो वहाँ जो फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें लागू किया गया, कंपलसरी किया गया कि भाई आप जैकमैन मॉडल बनाओगे, आप बताओगे कि कब आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्सोलीट हो रहा है। और जैकमैन मॉडल क्या है, ये सारी चीज़ें कि गवर्नेंस का पार्ट है और ये स्ट्रेटेजिक है। मतलब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑर्गेनाइजेशन में जीएम से नीचे तो कुछ भी नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं देखी जाएगी, जीएम से नीचे, जीएम तक ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी।